ऐसे कॉइन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पोटेंशियली मिनिमम पोटेंशियल 10x गेन देने का आप लोगों को सपना रखता है। वो कॉइन का नाम है SNX। SNX एक कमिटी बेस्ड डिवेंट कॉइन है और इनका बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इथेरियम बेस्ड टोकन है ये, ठीक है। इसका टेक्निकली बहुत ही बेहतरीन मुझे चार्ट देख रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कॉमन सेंस बोलना चाहता हूँ। अगर आप टेक्निकली बिलीव करते हो, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करते हो, तो वो कॉइन उठाओ जिसका टेक्निकली अप ट्रेंड शो करता हो, ना कि उस कॉइन के पीछे भागो जिसका हाइप हो। हाइप में भी वो टेक्निकल फॉलो करता है, लेकिन सम टाइम हाइप में क्या होता है ना कि अगर भीड़ एक जगह अगर भीड़ अप ट्रेंड में भाग रहे है पगले बतरा, तो लोगों को या ऑपरेटर को मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा, उसको अपेक्षित करके होगा। और उस कॉइन को आप लोग ढूंढने की कोशिश करो जिसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। SNX का फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसका फ्यूचर मार्केट में लिस्ट नहीं हो, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में जो कॉइन होता है वो मैक्सिमम टाइम शॉर्ट टाइम फ्रेम में गेम होते रहता है उस कॉइन में, के लोगों को लिक्विड करने के लिए। लिक्विड क्या होता है मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं इस वीडियो में इस SNX का टेक्निकली व्यू पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ। SNX ने अपना डेली टाइम फ्रेम को ब्रेकआउट किया है, ठीक है, और ये रिटेस्ट लेने आ रहा है, ठीक है। जैसे ये या बिटकॉइन अगर यहाँ से 37K के अराउंड रिटेस्टमेंट लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका मैं डाउनफॉल $7 या $6.5 के आसपास तक देखता हूँ। वहाँ से ये पम्प करेगा तो इसका मिनिमम टारगेट $14 के अराउंड है, जो कि इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस है ऊपर के साइड में, ठीक है। तो जिस हिसाब से देख रहे हो, इसी हिसाब से इसका मेरे अकॉर्डिंग मूवमेंट होने वाला है। टेक्निकली व्यू मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसने डेली टाइम फ्रेम में अपना डाउन ट्रेंड को तोड़ा है और ये रिटेस्टमेंट ले रहा है। रिटेस्टमेंट लेते ही ये पम्प कर सकता है $14 के अराउंड, फिर ये जो इसका दूसरा डाउन ट्रेंड बन रहा है उसको भी ये ब्रेक कर देगा, फिर उससे ये रिटेस्ट लेगा, ठीक है। तो $14 में ये 2-3 बार हो सकता है कि रजिस्ट हो, उसे तोड़ने में टाइम लगे, लेकिन $14 तोड़ते ही ये कॉइन लगभग $20-22 के अराउंड पम्प कर सकता है, जो इसका आप बोल सकते हो को प्रीवियस हाई है, मतलब प्रीवियस हाई है, ठीक है, अराउंड $20-24 के अराउंड, और इसको ये फाइनल रेजिस्टेंस में मिल रहा है। $20-22 होने तोड़ने के बाद ये भाई प्रॉफिट होने वाला है आने वाले टाइम फ्रेम में। तो जिस तरह मैं अपने चार्ट में डिफाइन करके रखा हूँ, इसका रेजिस्टेंस आपको कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो मिड टाइम फ्रेम में। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इस पॉइंट को 6-7 महीना होल्ड करो, या आपको मिनिमम 10x, 12x या 15x तक का रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कॉइन में पोटेंशियल है इतना गेन देने का। आप FIB रिटेस्टमेंट भी दे सकते हो, फिर रिटेस्टमेंट भी देख सकते हो। उस हिसाब से मैंने इसका टारगेट निकालने की कोशिश की, जो कि पहला टारगेट मुझे 63 के अराउंड दिख रहा है, दूसरा टारगेट 84 के अराउंड दिख रहा है, और तीसरा टारगेट जो लगभग $90-100 के अराउंड दिख रहा है। तो कॉइन में पोटेंशियल है इतना तक ये पम्प कर सकता है, तो आप इस पर ध्यान दो, ठीक है। टेक्निकली क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन शानदार है, आप अगर एंट्री लो तो स्टॉप लॉस यहाँ $6 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी कि $3 का स्टॉप लॉस। लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपको 10x का रिटर्न भी बड़ा बेस्ट है, और क्रिप्टो में आप अगर क्रिप्टो में थोड़ा टाइम से फॉलो कर रहे हो तो ये 10x 20x पॉसिबल है। जब डॉज ऐसा कॉइन मीम कॉइन, अब तो वो मीम नहीं रहा, लेकिन जब वो था तो इस तरह का रिटर्न आपको देखना ये आम बात है। क्रिप्टो क्योंकि अभी बूम में है, क्रिप्टो का शुरुआत है, तो आप लोग ऐसे ऐसे कॉइन जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और प्लस उसको टेक्निकली सपोर्ट और टेक्निकली अप ट्रेंड में शो करता हो, तो आप उस कॉइन में अपना पोजिशन बना सकते हो। बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप वो सीख लोगे तो आप कोई भी फील्ड में अच्छा अच्छा गेन कर सकते हो।
इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको कोई भी कॉइन के रिगार्डिंग कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जानना हो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, मैं उससे जहाँ तक हो सकेगा उस पर अपनी पूरी राय रखने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।